दुखद संवेदनशील एवं स्पर्शकातर प्रसंगे विजु जनता दल तरफ आम सांबादिक सम्मेलन करवाक जाऊ आम सहित मैडम स्नेहांगिनी छुरिया उपस्थित अच्छा जी आपन को विशद भाव में सूचना देवे आपण समस्ते जानी परी मामलें आज राय प्रकाश पाई अपराधी को 20 वर्ष जेल दंडादेश होई से बाबद मैडम स्नेहांगिनी छुरिया आपन को विशद तथ्य रखिए हेले ता पूर्वर आम गोटे भिडियो आपण मानक देखा चाहेबू जो थे गत परी मामला जितेबले चली ठीक से ही समय रे ओडिशा बीजेपी रा नेता माने गणमाध्यम को सब कौन कौन कही वक्तव्य गुड़िक कौन थिला प्रथमे ताकु आमे देखि नबा सामने भारतीय जनता पार्टी ओडिशा शाखार नेता मान वक्तव्य मुझे अनुरोध करी मैडम स्नेहांगिनी छुरिया को से विशद भाव में मत आपने उपस्थापन करेंगे निष्पाप नाबालिका परीर निखोज एवं परवर्ती समय हत्या यह अत्यंत दुखद घटना एथिरे आम समस्ते मर्माहत ओडिशावासी मर्माहत एवं एथिपाई स्पर्शकातर विषय पर ओडिशा सरकार राज्य सरकार एसआईटी गठन कले एवं माननीय हाईकोर्ट को तदारख करने अनुरोध कले एवं विभिन्न समय व्यवधान रे स्टेटस रिपोर्ट दिया गला
एसआईटी बहुत परिश्रम करी प्रकृत अपराधी सहित तार तथ्य प्रमाण संग्रह कला एवं आज परी को न्याय मिली अपराधी को 20 वर्ष दंड विधान परिस्थिति रे आज परी भली जन निष्पाप शिशु आज न्याय पाई किंतु ओडिशावासी को शक्त आघात लगिता धक्का लगिता जेतेबेले संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य नहीं ओडिशार किसी बीजेपी नेता यह राजनीतिकरण करते तदंत किपरी दिगहरा हेब तदंत किपरी लक्ष्य भ्रष्ट हेब से अपचेष्टा करते मान्यवर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं तांकर अनुगत गोष्ठी सामिल थे से माने अनेक मिछ एवं लोकं को विभ्रांत करने भाया तथ्य रखी थे अंग तस्करी कथा कही सबुबले बदनाम करने ओडिशा को अपचेष्टा करते जेकोसी समय आसू से माने केवल ओडिशा को बदनाम करेंगे सारा भारत बर्षरी किपरी ओडिशा लांछित हेब ओडिशा बदनाम हेब से ही अपचेष्टा से माने बारंबार कर न्यस्त स्वार्थ राजनीतिकरण एवं तांकर स्वार्थ को से माने किपरी भाव स्वार्थ हासिल हेब से माने काम कर आज लोकं को जो भ्रमित कला भलिया कथा कहिले ओडिशावासी पाखे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं तांकर अनुगत माने निश्चित भाव आज क्षमा प्रार्थना करिबा कथा किपरी तांकु लज्जा लगुनी तांकर अंतरात्मा किपरी भाव से कथा को अलाउ करुची किपरी भाव तांकर अंतरात्मा बाधा दौनी जे आम भी झील भौणी अच्छा गोटे झी गोटे नाबालिका गोटे निष्पाप शिशु रत्या किपर जमिन मिल किपर से अपराधी खसीज किपर से आईन हाथ को आसब ना से बारंबार अपचेषा कले नामी दामी वकिल को ठिया करने पछघुंचा देना आज प्रथमे सुप्रीम कोर्ट प्रथमे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मध्य से माने गले एवं किपरी भाव में दोषी को से माने छड़े जमीन आणवेपी अपचेष्टा कले कोमलमती शिशु जहार हत्या होता अत्यंत स्पर्शकातर विषय ओडिशा सरकार यही स्पर्शकातर विषय को किपरी भाव ठीक बाटे जीव आईन ता बाटे जीव अपराधी दंड पाइब अपराधी र समस्त प्रकार तथ्य प्रमाण संग्रह हेब से निरंतर भाव राज्य सरकार चेष्टा कले आज 20 वर्ष दंड विधान परी को तार न्याय मिली किंतु मु निश्चित भाव कह जो ओडिशार बीजेपी नेता माने एवं माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जहाँ से तांकर स्वार्थ हासिल निज स्वार्थ साधन पाई राजनीतिकरण कले कथा को गोटे स्पर्शकातर कथा को गोटे निष्पाप शिशुर हत्या एवं निखोज कथा को अंग तस्करी कथा कहगला एवं से अनेक प्रकार राज्य सरकार को दोष देले एवं लोकं को विभ्रांत कले एटा कौनसी क्षेत्र में ओडिशावासी तांकु क्षमा देवे ना तेणु मु आज दाबी करी से जेपरी अपचेष्टा कले लोकं सामनारे एवं यही अपराधी को खसैवापाई बहुत चेष्टा कले तेणु से लोकं सामने क्षमा प्रार्थना करूँ ओडिशावासी सामनारे क्षमा प्रार्थना करूँ आज आपण मैंने देखुं जे ये स्पर्शकातर विषय आज राज्य सरकार को तांकर निर्देश रे परी न्याय पाई जड़े नाबालिका सह ही अत्याचार प्रसंग में यह हीन राजनीति करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को अनुगत मानक लज्जा लगे कथा किमी से राति पारिंट जे आम जो अपचेषा करूँ अपराधी को खसई देवाई तदंत को दिगहरा करने से ही कथा टी मन भितर अंतरात्मा टी बाधा देवा कथा से चिंता करवा कथा जे समस्त झील सामान भौणी जमी परी से गोटे भौणी झील जमी परी से गोटे झील एवं से झील को न्याय देवार जो
ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଡାକିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କିପରି ଭାବରେ ଜାମିନରେ ନେବେ ତାକୁ ଛୁଡ଼େଇବେ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବ ଅପରାଧୀ ଧରା ନ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ସବୁ ଦୋଷ ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହୀନ ରାଜନୀତିକରଣ କଲେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଅପରାଧୀକୁ 20 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୋଇଛି ପରି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ ତାକୁ ଆମେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ବି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମା କିପରି ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପରି ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇସାରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ପାଖରେ ଏଇ କଥା କୋର୍ଟରେ ଆସିଲା ସେହି ସମୟରେ 31 ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ବାଟରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି ଏଥିରେ କୋର୍ଟ ଯାହା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯାହା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଲ ସବୁବେଳେ ନିଜ ହିସାବରେ ଯାଏ କେବେ କାହାରି କଥାରେ ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଆଜି ଯାଇଛି ପରୀକୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ଆମେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ପରୀ ପାଇଁ ଆମର ସମବେଦନା ରହିଛି ପରିବାର ପାଇଁ ସମବେଦନା ରହିଛି ଏବଂ ପରୀର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ ଏହା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।